सीमेंट का आविष्कार सीमेंट का आविष्कार 1826 में इंग्लैंड के इंग्लैंड के पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया। अगले को भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र में मद्रास में स्थापित किया गया। अगली लाइन 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र पोरबंदर है ना गुजरात कोटकर गुजरात की स्थापना की गई। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। अगली लाइन 1947 तक देश में सीमेंट के कुल तेईस कारखाने थे। जिसमें विभाजन के कारण पांच कारखाने पाकिस्तान में खड़े थे। वर्तमान समय में
देश में सौसठ सीमेंट कंपनियों द्वारा एक सौ नब्बे बड़े सीमेंट कारखाने संचालित किए जाते हैं। अब देखो सीमेंट उद्योग का स्थायीकरण या स्थानीयकरण, सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण, इसमें देखो सीमेंट उद्योग में भारी वस्तुओं का उपयोग अधिक होता है। सीमेंट बनाने के लिए सोना पत्थर जिप्सम वह कोयले की आवश्यकता होती है। ये सभी भारी पदार्थ हैं जिसमें परिवहन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीमेंट के कारखाने कच्चे माल के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। अतः सीमेंट उद्योग की स्थापना में शक्ति के साधन कच्चा माल को
कोयला कोयला तथा परिवहन मुख्य कारक हैं। अधिकांश सीमेंट कारखाने इन्हीं कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाते हैं। इन्हीं कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाते हैं। भारत में सीमेंट का उत्पादन करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि सीमेंट उद्योग की समस्याएं। पहले देखो जल की समस्या। उद्योग की समस्याएं पहली समस्या जल की समस्या, आगे लिखना विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात। भारी पूंजी लागत या अधिक पूंजी लागत। तीन नंबर बिजली कोयले की अनिश्चितता। तीन नंबर समस्या बिजली कोयले की उपलब्धता की अनिश्चितता। माल डिब्बों की निरंतर कमी। माल डिब्बों की निरंतर कमी। भारत की जनसंख्या 2011 अब जनसंख्या की परिभाषा देखो। जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में
किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय के दौरान जनसंख्या वृद्धि
इंडिया जनसंख्या होगी, मतलब किसी क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि। और ये परिवर्तन कैसा हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक। और जनसंख्या वृद्धि का सूत्र वर्तमान जनसंख्या माइनस पिछली जनसंख्या। और यदि वर्तमान की जनसंख्या पिछली जनसंख्या से अधिक है तो कैसा होगा, धनात्मक। और वर्तमान की जनसंख्या पिछली जनसंख्या से कम है तो कैसा होगा, ऋणात्मक परिवर्तन। हाँ माइनस।